ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का भारत में जल्द ही ट्रायल शुरू होने वाला है। अगस्त के आखिर में होने वाले इस वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए मुंबई और पुणे के हॉस्पिटल से 4000 से 5000 वॉलंटियर्स का चुनाव किया जाएगा। वैक्सीन के स्थानीय उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उम्मीद जताई है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जून तक वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के टेस्ट रिजल्ट से संतोषजनक परिणाम मिलने लगे हैं और अब यूके में इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। भारत में ऑक्सफोर्ड ने इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए SII को चुना है, जो वैक्सीन को लेकर अंतिम सहमति मिलने से पहले इसका फील्ड ट्रायल कराएगा। पुणे में बुधवार को 59,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए, जबकि मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,00,000 से भी ऊपर पहुंच गया। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना केसों में आधे इन्हीं दोनों शहरों से है। SII के CEO अदार पूनावाला ने बताया कि मुंबई और पुणे में वैक्सीन ट्रायल के लिए हमने कई जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है। इन शहरों में कोरोना के सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट्स हैं, जिससे हमें वैक्सीन के प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलेगी।